हो। उसे क्यों मारा तुमने? क्यों मारा? ये क्या बकवास है? क्या हुआ है तुम्हें? कहानी की लड़की को क्यों मारा? ओह, चारुशीला की बात कर रही हो? वो एक कहानी है। कहानी 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 अरे कहानी है तो क्या उसे मार दोगे? रुको, तुम कौन होते हो उसे मारने वाले? हा? ये कहानी नहीं, मेरा जीवन है। मुझे मारने वाले तुम होते कौन हो? सुनो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें देखने यहाँ पर कोई आएगा? मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ पर हो। मिस्टर वीरेंद्रनाथ, मैंने आज तक तुमसे जो जो कहा वो सच नहीं, बहुत बड़ा झूठ था। रोड्स खराब हैं, फोन लाइंस काम नहीं कर रही हैं, वो सब झूठ था। तुम्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करवाने वाली थी, वो भी झूठ है। और तुम्हारी बीवी तुमसे मिलने यहाँ पर आने वाली है, वो भी झूठ था। मैंने सब कुछ झूठ कहा। हा? तुम्हारे पास यहाँ रहने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। जो मौत कहानी में तुमने लिखी है, वही मौत अब तुम्हारी किस्मत में होगी। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है, तो समझो तुम भी गए। शायद नींद में अचानक गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती है, मैं आपका ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाई। आ, 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 आ,
सब मेरी ही वजह से हुआ। बहुत दर्द हो रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। जलाओ। क्या तुमने सही सुना? मैंने केरोसिन डाल दिया है, इस कचरे को जलाओ। मेरी कहानी को मैं अपने हाथों से जलाऊं? जानती हूँ तुम्हारे लिए तकलीफ दे है, पर और कोई चारा नहीं। हम दोनों के लिए यही अच्छा है, चलो जलाओ। तुमने तो कहा था कि मेरी कहानियाँ तुम्हें बहुत पसंद है, ये बिल्कुल गलत है। तुम कुछ भी कहो, मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। तुम्हारी कहानी को तुम ही जलाओगे, यही सबके लिए अच्छा है, जलाओ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इसमें मेरी जान है। अगर इस कहानी में मेरी जान जाती है तो बेहतर होगा मैं तुम्हारी जान ले लूं। तुम पागल हो गई हो ज्योत्सना, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या हो गया तुम्हें? कौन हो तुम और तुम चाहती क्या हो? नहीं, चारों शीला को मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ज्योत्सना, उस गलती को सुधार लो। ज्योत्सना, चाहे तुम मुझे साइको समझो, फ्रंकी समझो। ज्योत्सना तुम ये क्या कर रही हो? या पागल समझ सकते हो? प्लीज स्टॉप इट। चाहे नॉवेल बचा लो या अपनी जान, चॉइस इज योर्स। Decision. मिस्टर वीरेंद्रनाथ, मिस्टर वीरेंद्रनाथ, मुझे सब कुछ पता है कि तुम बाहर गए थे। तुम यही ढूंढ रहे हो ना? और कितनी बार बचने की कोशिश करोगे?
पहली बार जब वो खिलौना पूरब की तरफ से पश्चिम की तरफ मुड़ गया, मुझे तुम पर तभी शक हो गया था। फिर भी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मुझे ये हेयर पिन मिला तब सब समझ में आया। जो कभी चिल्लाता नहीं था वो छोटे से छेद को देखकर चिल्लाने लगा, तब तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वाह, मानना पड़ेगा तुम तो सच में जीनियस हो। मैं तुम्हारा इतने अच्छे से ख्याल रख रही हूँ तो तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो? मैंने कोई कमी नहीं रहने दी, यहाँ तक कि तुम्हारी टॉयलेट भी साफ की। तुमने जो भी मांगा वो मैंने ला कर दिया। तुम अपने पैरों की वजह से चल फिर नहीं सकते ना? मसाज कर दूं? मैं अब एक ऑपरेशन करने वाली हूँ, पता है उसे क्या कहते हैं? पैरों की हड्डियों को तोड़ना, लेग्स ब्रेकिंग ऑपरेशन। ज्योत्सना प्लीज, ज्योत्सना प्लीज, ज्योत्सना प्लीज, ज्योत्सना मेरी बात सुनो। क्या कर रही हो तुम? ज्योत्सना प्लीज। कूल मिस्टर राइटर, ज्योत्सना कूल, स्टॉप इट। थोड़ा सा ही दर्द होगा, रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ज्योत्सना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ज्योत्सना प्लीज 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 रुक जाओ, मेरी बात सुनो प्लीज। मैं नहीं जाऊंगा कहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज आई बेग यू प्लीज ज्योत्सना प्लीज रुक जाओ। चिंता मत करो, तुम्हारे हाथों को कुछ नहीं होगा, मेरे लिए बहुत कीमती है, बस थोड़ा सा सपोर्ट करो और मेरा काम हो जाएगा। ज्योत्सना ज्योत्सना प्लीज, मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ज्योत्सना ज्योत्सना प्लीज 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 ज्योत्सना मेरी बात सुनो, आई बेग ऑफ यू।